हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेंस वाई हिमांगी। मैं हिमांगी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे गाइस। तो मैं भी ठीक हूँ। एंड आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, ये तो आपको टाइटल पढ़ के समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो बात करने वाले हम एंटी एजिंग फेस मास्क के ऊपर में, जो कि हम घर पर बनाएंगे। एंड फेस मास्क घर पे बनाना बहुत ही आसानी है, इसको आप घर के प्रोडक्ट से बना सकते हैं बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से। तो इसको बनाना कैसे है वो तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले बता देती हूँ कि बेनिफिट क्या है, जो कि आप देखते हैं कि 30 के बाद हमारे फाइन लाइंस वगैरह एंटी एजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एंड हमारी एज में बहुत ज़्यादा बुढ़ापा सा दिखने लगता है, झुर्रियाँ लटकने लगती हैं, ऐतिखाल लटक जाती है। एंड तो इसको कैसे अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं, स्किन को अच्छा बना सकते हैं, वही आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वैसे मार्केट में काफ़ी तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं एंड जो कि फाइन लाइंस एंड स्किन को टाइट बनाने में मदद करते हैं। बट इसके साथ में अगर हम DIY यूज करेंगे ना, तो हमारी इसको नेचुरली आपकी स्किन नेचुरली टाइट होगी, फाइन लाइंस रिमूव होगी एंड साथ में काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो आपके बाहर के प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ में भी आपके घर की चीजें DIY करते रहने चाहिए, जिससे आपकी स्किन काफी अच्छी बनी रहे और अंदर से हेल्दी बनी रहे। तो गाइस, आज की क्या है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो वही चले देखेंगे फेस मास्क के बनाना कैसे, इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पर शेयर करूंगी ऑरेंज पील फेस मास्क, जो कि ऑरेंज होता है, ऑरेंज के छिलके को सुखा करके आपको पाउडर बना लेना है। अगर वो पाउडर बनाना मुश्किल है तो ऑरेंज पील पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। एंड ऑरेंज पील पाउडर बहुत ही अच्छा है, मैं सारी वीडियो लगा रही हूँ, देखना है आप कैसे इसको बना सकते हैं। एंड ऑरेंज पील पाउडर लेना है हमको 1 टी स्पून, एंड इसके साथ में लेना है 1 टी स्पून हमको यहाँ पर लेना है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो होता है हमारी स्किन को टाइट बनाता है एंड फाइन लाइंस को रिमूव करता है, स्किन को अंदर से ठंडक देता है और स्किन में काफ़ी अच्छा निखार भी लाता है। ऑरेंज पील भी सेम यही वर्क करता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड स्किन को टाइट बनाता है, फाइन लाइंस को करता है, दाग धब्बे को खत्म करता है, स्किन को एक अच्छा निखार लाता है, स्किन को व्हाइटनिंग बनाने में मदद करता है एंड काफ़ी बेनिफिट है इस चीज़ के। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर हमने लेनी है। साथ में इसमें लेना है चुटकी भर कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी क्या होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, बट कस्तूरी हल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कस्तूरी हल्दी हमारे एक तो कलर नहीं छोड़ती स्किन पे एंड साथ में कस्तूरी हल्दी में इतने बेनिफिट होते हैं, काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको कस्तूरी हल्दी में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी गाइस ये फेस मेरे पे देख पा रहे होंगे, अभी मैंने सिर्फ ये फेस मास्क ही यूज़ किया है, बाकी मेरा स्किन केयर रूटीन उसके बाद मैंने किया है नाइट में। इसके सिवा मैंने फेस पर भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ ओनली लिपस्टिक लगाई, इसके सिवा मेरे फेस पे और कुछ भी नहीं लगा हुआ। सिंपल आप मेरी स्किन देख पा रहे होंगे, स्किन पे काफ़ी अच्छा टाइटनेस और चमक दिख रही होगी। एंड तो गाइस ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छा इससे लगेगा यूज़ करने के बाद में। इसको आपको लगा लेना है, लगाने के बाद में 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, 20 मिनट में आपके एकदम ड्राइनेस हो जाएगा। इसको आप चाहें तो हल्का हल्का फेस पे छींटे डाल के मसाज करके उतार देना है, मसाज करके उतार देना, उसके बाद फेस धो लीजिएगा, इसके बाद वॉश करके फेस, ध्यान रखिए फेस क्लीन होना चाहिए आपका, पहले फेस वॉश कर लीजिएगा, फेस क्लीन करने के बाद में ही फेस मास्क यूज़ कीजिएगा। गंदे फेस पर फेस मास्क बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। तो लगाने के बाद 20 मिनट छोड़ देना। आप यहाँ साइड से वीडियो देख पा रहे हैं, इसको लगाना भी कैसे, सारी वीडियो मैं साइड से लगा दूंगी। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाएं। तो गाइस आगे मैं बता दूँ, फेस मास्क को 20 मिनट लगाने के बाद में इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो भी आप अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं, नाइट में लगा रहे हैं तो नाइट स्किन केयर रूटीन जो भी आप करते हैं उस कीजिए एंड उसके बाद में अपना स्लीपिंग सो जाइए। सिंपल, इसको आप चाहे तो हफ्ते में 2 डेज 4 डेज या डेली कैसे भी चाहे आप लगा सकते हैं। इसको लगाने से आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, स्किन पर बेनिफिट ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप जरूर यूज़ करें, इससे आपकी स्किन में आप देखेंगे कि 15 दिन में ही आपकी स्किन में कितना अच्छा रिजल्ट देने को मिलेगा एंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी एज से, आपकी जो एज है ना उससे कम ही आपकी एज दिखेगी, आपकी एज बढ़ी हुई नहीं दिखेगी फेस मास्क यूज़ करने के बाद। तो इसको जरूर यूज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय वीडियो।